इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्लीव की बहुत ही सुंदर डिजाइन कैसे बने। देखिए मैंने स्लीव कट कर लिया है, साइज बता देती हूँ। इसकी लंबाई 9.5 इंच ली है मैंने, और देखिए इसकी विड्थ 10 इंच ली है, और इसकी मैं एल्बो स्लीव तैयार हो जाएगी। और देखिए ये पट्टी मैंने कट की है, ये 3.5 इंच चौड़ाई में, और मोहरी के हिसाब से हम ले लेंगे, जो कि हमारा ये नीचे इसमें इस तरीके का बॉर्डर आएगा। और देखिए एक और पट्टी कट करी है, इसका साइज बता देती हूँ। ये मैंने 5.5 इंच ली है इसकी चौड़ाई। अभी इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, यहाँ पर किनारे पर सिलाई डाल देंगे, इसको पलट देंगे, उसके बाद फिर इसको डिजाइन देंगे। और जो स्लीव है ये दोनों साइडों में पॉइंट दे देते हैं, मोहरी में भी और शोल्डर पे भी, जो हम डिजाइन देंगे तो ये डिजाइन हमारी बराबर से आ सके। तो देखिए जो चौड़ी वाली पट्टी ली है इसको मैंने किनारे पर स्टिचिंग डाल दिया है, अभी इसको पलट देते हैं। देखिए इस पट्टी को बीच में से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद कोई भी कलर का धागा ले लें, जैसे मैंने पिंक कलर का ले लिया, यहाँ से इस तरीके से इसकी, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको धागे को टाइट कर दिया है। एक मैंने बटन ले लिया है और बटन को यहाँ पर स्टिच कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से हमारे ये डिजाइन जो है तैयार हो चुकी है, और अभी स्लीव को तैयार करते। देखिए यहाँ पर जो मैंने पॉइंट दिया है, अभी हम प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना मोहरी का साइज ले लें, जो भी आपकी मोहरी है उस हिसाब से पहले आप कपड़ा छोड़ दें। जैसे मैंने यहाँ पर 5 इंच छोड़ दिया इस साइड में, और 5 इंच इस साइड में छोड़ दूँगी, दोनों साइडों में 5-5 इंच छोड़ देंगे। आपका जो भी साइज है उस हिसाब से आप छोड़ दें। अभी हम यहीं से प्लेट डालना स्टार्ट करें। इस तरीके से ये प्लेट हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ऊपर की तरफ भी इसी प्लेट को हम यहाँ पर इस तरीके से लाएंगे, और ये ऊपर गैप दे दे के स्टिच करेंगे प्लेट को। देखिए जो कपड़ा लिया था मैंने ये फिनिशिंग के लिए, इसको नीचे की तरफ रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई डाल देते। तो देखिए मैंने इसकी साइड फिटिंग कर दी है, और यहाँ पर भी स्टिच डाल दिया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा बटन आ रहा है, और देखिए ये यहाँ पर कितनी सुंदर ये डिजाइन दिख रही है मोहरी में भी। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए ये फ्रिल जो है हमारी इस तरीके की शोल्डर पर ये पफ बन जाएगा, यहाँ से ही स्टार्ट होगा और शोल्डर पर जाके काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी स्लीव डिजाइन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज। देखिए ये बॉर्डर पे भी मैंने दोनों साइडों में स्टिचिंग डाल दी है, जो सिलाई लगाई थी वो निकाल दिया, इसकी साइड फिटिंग दे दी है। तो आप देख रहे हैं ये एल्बो में कितनी सुंदर लग रही है डिजाइन। यहाँ पे इस तरीके की फ्रिल दिखेंगी, यहाँ पे एकदम बॉर्डर देखिएगा सेम कलर का, और यहाँ पर पूरा पफ दिखेगा। पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप चाहें तो कोई भी लेस यहाँ पर यूज कर सकते थे, मैंने लेस यूज नहीं किया, एक ही कलर बनाया है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी स्लीव डिजाइन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।